Ladies and gentlemen, girls and boys, assalamu alaikum. Tamam viewers ka, jo log hamare sath, puri duniya se hamare sath maujood hai, aapka bahut bahut shukriya. You're watching Trivzia, Pakistan ka pehla live mobile app game show. Aur jeeto naye andaaz se, ye naya andaaz, of course, din ba din apne andar jiddat lekar ke aa raha hai, din ba din naye changes jo hum add kar rahe hain apne shows mein. Aur jis tarah se content mein change hai, jis tarah se aapko jo animations hain unme change hai, fir aapko jo overall screen jo experience hai usme change hai, fir power ups ka change hai, theek hai, fir kuch naye shows bhi hum add kar rahe hain. So of course day by day ye jo cheeze hain aapko kahin na kahin bahut positive impact aap pe chhodti hain aur aap inko enjoy karte hain. Aapka bahut bahut shukriya. Thank you very much everyone for joining us. It's almost 14,388 people right now are connecting with us. Bahut shukriya puri duniya se aap hamare sath maujood hain. पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया से हैं. देखिए पाकिस्तान में भी हमें मालूम है कि पाकिस्तान का हर शहर इस टाइम इन्वॉल्व है और पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे साथ खेलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. अब किसी एक ग्रुप में मैंने एक मैसेज पढ़ा था या एक पोस्ट लगा हुआ था कि जी कौन कौन किस किस शहर से है बताइए, तो नीचे पाकिस्तान के ऐसे ऐसे शहरों के नाम थे कि जो हमने जिंदगी में आज तक नहीं सुने. ठीक है, सो दिस इज लाइक दिस इज लव ऑफ यू गाइज, ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों की चाहत है, आप हमारे साथ होते हैं, बहुत शुक्रिया. वेल अभी हमारे साथ कुछ अनाउंसमेंट्स हैं हमारे पास, उनको हम शामिल करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का बकायदा आगाज करते हैं. आज का शो इज अ रूटीन शो, वैसे तो नॉर्मली एवरी थर्सडे जो है वो शो होता है, दैट इज सरप्राइज बॉक्स, लेकिन आज का शो रूटीन शो है, आज का शो नॉर्मल शो है, आज का शो सरप्राइज बॉक्स नहीं है, बट आज का शो होगा यस कितने हजार रुपए के लिए. डू वी हैव एनी एनिमेशन ऑफ दैट, सो प्लीज ओके आपको पता चले कि आज का शो है जनाब 20,000 रुपए के लिए और 20,000 रुपीज का कैश प्राइज आज के हमारे दोस्तों का अच्छा होगा. ओके सो वी बैक, थैंक यू वेरी मच. ये मैंने पहले भी पूछा था. खैर 20,000 रुपीज का कैश प्राइज आज के हमारे इस खूबसूरत शो में और अनाउंसमेंट्स हमारे पास बहुत जबरदस्त हैं. एज यू गाइज नो कि हमने कल एक पोस्ट डाली है हमारे ऑफिशियल फैन पेज जो कि ट्रिवजिया के नाम से फेसबुक पर मौजूद है और इंस्टा पे भी हमने एक पोस्ट शेयर की है. दैट इज के अपकमिंग संडे 16 जून ऑफ 2019 ऑफकोर्स संडे की रात का जो हमारा स्पेशल शो होगा वो होगा यस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, द ग्रेट पर्सन ऑफ कोर्स एंड द ग्रेट हीरो ऑफ पाकिस्तान एज वेल, यस जनाब इमरान खान साहब पर बेस्ट. हमने सोचा है कि वाई नॉट जो हमारे जीते जागते हीरोज हैं इनको भी ट्रिब्यूट दिया जाए और इनकी इनके जो ऑफ द रैकेट इनकी जो लाइफ है जो कभी लोगों ने नहीं देखी या कुछ ऐसी चीजें हैं जो इनकी जात से मुंसलिक हैं, इनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हैं, इनकी लाइफ से जुड़ी हैं, वो शायद आप लोगों ने आज तक नहीं उस तरह से आप तक पहुंचेगी जिस तरह से ट्रिवजिया आप लोगों के लिए लेकर के आएगा. तो अपकमिंग संडे का जो हमारा स्पेशल शो है वो होगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यस इनफैक्ट द लीडर ऑफ पीटीआई यू कैन से, ठीक है, जनाब इमरान खान साहब, ठीक है, और इनकी लाइफ से रिलेटेड बहुत जबरदस्त किस्म के क्वेश्चंस होंगे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे हम आप लोगों के साथ, ठीक है. इनका जो क्रिकेट का करियर है और क्रिकेट के करियर के साथ साथ फिर इनके जो बाकी इनकी जो जाती जिंदगी है वो हम भी इनफैक्ट वो चीजें ऐड करेंगे जो नॉर्मली आप लोग जानते हैं, यानी बिल्कुल कोई ऐसा आउट ऑफ द वे जाके कोई बात नहीं होगी जो आप नहीं जानते, जो आपके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन आप स्टडी जरूर कीजिएगा. इनका बायो ऑफ कोर्स आप विकीपीडिया पे इनकी बायोग्राफी है, फिर आपको इनके क्रिकेट करियर का पता है, इसके साथ साथ ऑफ कोर्स फिर आप इनके पॉलिटिकल करियर के बारे में जानते हैं, फिर इस दौरान ये मुल्क में रहे, मुल्क से बाहर रहे, क्या किया क्या नहीं किया, किन किन चीजों को पसंद करते हैं, किन चीजों को ना पसंद करते हैं, अन्य बहुत सारी चीजें होंगी जो इनकी जात से रिलेटेड है जो इनके फैंस जानना चाहते हैं. तो ये तमाम जो चीजें हम ऑफकोर्स ऐड करेंगे, ठीक है, हमारे संडे नाइट के स्पेशल शो में आपने जरूर इस शो में पार्टिसिपेट करना है. प्राइस मनी 30,000 रुपीज ही होगा लेकिन शो इज रियली 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 स्पेशल, बहुत मजा आएगा. सो मस्ट ज्वाइन आवर दैट शो टू, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. सो यस ऑफ कोर्स हमारे एक ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी और इस अनाउंसमेंट के अलावा वी हैव अनदर अनाउंसमेंट, दैट इज के हम एक लिंक जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, और जो लिंक आप रात 12 बजे से लेकर आगे तक जो है वो कंटिन्यू रहेगा टिल एंड ऑफ द संडे, यानी ये लिंक जो है ये जो पोस्ट है रात 12 बजे जनरेट कर दी जाएगी हमारे ऑफिशियल फैन पेज ट्रिवजिया पे. आपने ये लिंक ये वीडियो जो भी उस लिंक के अंदर मौजूद होगा उसको शेयर करना है अपने फेसबुक आईडी पे, ठीक है. ये आप देख भी सकते हैं कि www.trivzia.com/lifeline, ठीक है. सो आपने क्या करना है, आपने इस URL को शेयर करना है अपनी आईडी पे और जैसे ही आप इसको शेयर करेंगे एक अदद लाइफलाइन आपको फौरी तौर पर मिल जाएगी.
अब कुछ नोटिफिकेशंस में भी आपको ये फील गया होगा कि जी ज्वाइन द गेम शो ऑफ टुनाइट ऑफ कोर्स और उसमें फिर एक लाइफ प्लान आप हासिल कीजिए। तो यही वो एक गिफ्ट है आप लोगों के लिए आज के शो में कि आप रात 12 बजे के बाद कमिंग संडे तक किसी भी वक्त आप ये लिंक शेयर कीजिए अपनी टाइमलाइन पे और एक अदद लाइफ लाइन हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। एंड वन मोर थिंग दैट इज के यस, तीन कंसेक्यूटिव गेम्स को ज्वाइन करने में या तीन लगातार गेम शोज को खेलने में या उनमें पार्टिसिपेट करने में या सिर्फ उनको देखने में, अगर आप तीन अदद शोज हमारे साथ खेलते हैं देखते हैं तो आपको एक अदद लाइफ लाइन इस सूरत में भी मिलेगी। तो दिस इज सो नाइस, यानी हर तरह से आपको लाइफ लाइन की भरमार है। बहुत सारे लोगों को लाइफ लाइन का इशू आ रहा था कि यार लाइफ लाइन जो है वो हमें दें, लाइफ लाइन ऐसे करें वैसे करें, बहुत दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो पावर हाउस में तो ऑफकोर्स लाइफ लाइन शामिल है, लेकिन अगर आप नहीं वहां से खरीदना चाहते तो आप ये दो तीन वेज हैं जहां से आप लाइफ लाइन हासिल कर सकते हैं। तीन लगातार गेम शो देखिए या पूरा गेम शो हमारे साथ रहिए और एक अदर लाइफ लाइन हासिल कीजिए। उसके साथ साथ एक लिंक भी जनरेट कर दिया जाएगा आज रात 12 बजे के बाद, वो भी अगर लिंक आप अपनी आईडी पर शेयर करते हैं तो आपको एक अदद लाइफ प्लान मिलेगी। ठीक है, और संडे तक ये जो लिंक है ये एक्टिव रहेगा। संडे तक शो से पहले पहले इमरान खान साहब का जो स्पेशल शो है संडे को, तब तक आप ये जो यूआरएल है इसको किसी भी वक्त शेयर कर सकते हैं और एक अदद लाइफ प्लान हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए जी प्रोग्राम की जानी बढ़ते हैं और आपको बताया चले कि पावर अप्स अगर आपके पास हैं तो ऑफकोर्स आप अपनी हार को जीत में तब्दील कर सकते हैं और अपनी गेम को और आसान कर सकते हैं। ठीक है, पावर अप्स का इस्तेमाल कीजिए, उन्हें जरूर हासिल कीजिए। अगर आप नहीं भी हासिल करना चाहते तो इट्स अप टू यू, आप सिंपली गेम खेलिए और अपने जोरे बाजू पे और अपने नॉलेज के दम पर गेम को जीतिए। बहुत अच्छी बात है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आई थिंक आज हमारे पास कुछ बर्थडे या हमारे पास एनिवर्सरीज नहीं है, राइट? ठीक है, तो पावर अप्स ऑफकोर्स हमारे तीन से चार पावर अप्स जो हैं वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, उनको यूज कीजिए और गेम में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आइए प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं और बर्थडे हमारे पास है, सुफियान मुस्तफा हमारे साथ खड़क से हैं एंड जवाद कुंडी कुंडीना खड़का होने ओके जवाद कुंडी हमारे साथ दियाई खान से हैं एंड रजल सलीम हमारे साथ कराची से एंड मानूर सईद हमारे साथ लाहौर से हैं। आपको मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे, खुश रहिए, हमारी दुआ आपके साथ हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे। थैंक यू। सो लेट्स एंड जेंटलमैन, आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या आता है। पापा को गौर से पढ़िएगा, इंसान के कितने दिल होते हैं, एक दो या तीन? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सवाल नंबर एक फाइनली आपकी स्क्रीन पर, तकरीबन 16,500 के करीब लोग हमारे साथ मौजूद हैं और आपका बहुत शुक्रिया। कुछ रमजान के बाद कुछ लोगों की शायद रूटीन हमारे साथ मैच नहीं कर रही, दैट्स वाई हम कुछ लोग जो है मुझे बहुत कम कम नजर आते हैं, यानी कुछ लोग हैं जो शायद हमें ज्वाइन नहीं करें। और वैसे भी हमें हमारे साथ जो ये काउंट है उससे कुछ लोग नए आते हैं, कुछ लोग पुराने जाते हैं, तो ये आना जाना जो है यूं ठीक नहीं, मेरी जान जमाना ठीक नहीं, तो ये आना जाना तो लगा रहता है। ठीक है, तो दैट्स रियली कूल, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। पावर अप्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, लाइफ लाइन का इस्तेमाल कीजिए, 50-50 का इस्तेमाल कीजिए, हमारा टाइम जो प्लस टाइम है उसका इस्तेमाल कीजिए, 50-50 गोल्ड का इस्तेमाल कीजिए। तरीके बहुत ही आसान है और हर पावर अप का एक अपना उसके अंदर पावर मौजूद है। ठीक है, 50-50 इज रियली गुड, 50-50 दो गलत ऑप्शन में से एक गलत ऑप्शन को निकाल देता है, आपके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं, ऑफकोर्स एक ऑप्शन में से सही है तो आपकी आखिरी टेंशन तो 50-50 खत्म कर देता है। अगर आप प्लस टाइम का इस्तेमाल करें, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो शायद एक ही वक्त में प्लस फाइव का भी इस्तेमाल करते हैं और 50-50 का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है तो एक दफा 50-50 यूज किया, एक आंसर निकल गया, दो उसमें दो रह गए, उसके बाद प्लस फाइव का इस्तेमाल किया तो पांच मजीद सेकंड्स बढ़ गए। आप सिंपली अच्छे तरीके से उसको सर्च भी कर सकते हैं और अपना अच्छे तरीके से दिमाग लड़ाकर आप प्रोग्राम का वो जो सवाल है उसको इजीली खेल भी सकते हैं। तो इस तरह से ही इनको यूज कीजिए और अपनी जीत को यकीनी बनाइए। सवाल नंबर एक का राइट आंसर, आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही चुना, कौन बढ़ेंगे सवाल नंबर दो के लिए। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, इंसान के ऑफकोर्स एक ही दिल होता है और वो भी हम कभी किसी को देते हैं कभी किसी को देते हैं। 15,524 लोगों ने इस आंसर पंच किया और तकरीबन कोई 150 के करीब लोगों ने बाकी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अच्छा, ठीक है, दैट्स रियली कूल, अच्छी बात है। वेल, दिल हमेशा होता तो एक ही है लेकिन हम तो 500 लोगों को देते हैं। ठीक है, तो ये बेचारा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम्हीं से करता है। ठीक है, सो सवाल नंबर दो आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कि सवाल नंबर दो क्या आता है। सवाल को गौर से पढ़िए, थैंक यू। इनमें से कौन सा रंग ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती नहीं है, सुर्ख, सब्ज या नीला?
सो थैंक यू. वैसे तो रंग होते हैं की बत्तियों के रंग है जिसमें लाल पीला और हरा है, लेकिन जो नीला रंग है वो भी वैसे खतरे की घंटी का ही निशान है. ठीक है. आपने देखा होगा खासकर जो ये जो ट्रैफिक मोबाइल्स होती हैं, ठीक है, जो पुलिस की मोबाइल्स जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, उनकी जो बत्ती होती है वो दो कलर होते हैं, उसमें एक लाल होता है एक नीला होता है. ठीक है, तो चलिए ये भी ध्यान में रखिए. अच्छा है. इसके अलावा नीला रंग जो है जीरो बल्ब का होता है. अक्सर औकात आपने देखा होगा लोगों ने अपने घरों में या बाहर जो लाइट्स लगाई होती है उनमें ये लाइट कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है. अक्सर लोग वॉशरूम्स या कमरों में भी लगा लेते हैं जीरो का बल्ब. वो बहुत खतरनाक, बहुत डर लगता है उसमें. मैं तो बिल्कुल नहीं लगाता. सवाल नंबर दो आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही चला. यस, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. ऑफ कोर्स नीला रंग जो है वो बत्ती में नहीं है. 14,744 लोगों ने इस आंसर पंच किया एंड ऑफ कोर्स 700 प्लस लोगों ने बाकी ऑप्शंस को सिलेक्ट किया है. आपने देखा होगा जो वार्डन की गाड़ियां हैं, ठीक है, या जो पुलिस की गाड़ी होती है जो जो गश्त कर रही होती है, ठीक है, शहर में, या आजकल जो हमारे डॉल्फिन पुलिस वाले हैं, ठीक है, इनकी जो बाइक्स है ऑफ कोर्स इस पे भी ये सिर्फ दो कलर होते हैं हमेशा. पुलिस के जो दो रंग हैं वो हैं रेड एंड ब्लू, ठीक है, और इनकी रेंज बहुत होती है. आप दूर से दो दो तीन तीन चार चार किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है इस लाइट की. बहुत शार्प लाइट होती है, तो कोशिश किया कीजिए इनको ना ही देखा करें क्योंकि डायरेक्ट आई टू लाइट कॉन्टेक्ट जो है ना वो आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है. फिलहाल सवाल नंबर तीन आपकी स्क्रीन पर, सवाल को गौर से पढ़िए. थैंक यू. पेट्रोलियम डिवीजन का मौजूदा वफाकी वजीर कौन है? मोहम्मद शहजाद अरबाब, उमर अयूब खान या गुलाम. ऑल राइट, थैंक यू, वी आर बैक, बहुत शुक्रिया. सो सवाल नंबर तीन फाइनली आपकी स्क्रीन पर. 10 सवाल आज हम खेलेंगे और कल का शो वाज रियली रियली अमेजिंग और कल 300 प्लस तकरीबन लोगों ने जीता है, वो बहुत अच्छी बात है. कल का शो वाज बड़ा मजे का था और बहुत कांटे का शो था इनफैक्ट, और अब तक की हिस्ट्री का सबसे लॉन्गेस्ट शो था जो कि 37-38 मिनट तक गया था. और अगर हम सवालों की बात करें तो शायद अब तक के जितने भी शोज गुजरे हैं उनमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला शो जो कल का था, क्योंकि लास्ट जो चार पांच क्वेश्चंस थे वो बहुत जबरदस्त खेले आप लोगों ने और तकरीबन 200-300 लोगों के करीब जो है आपस में बड़ा जबरदस्त जो है वो मुकाबला रहा है कल के शो में, खासकर जो लास्ट क्वेश्चंस थे. तो दैट वाज रियली रियली अमेजिंग शो. और बहुत जल्द आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा. हमारा ऑफिशियल अकाउंट ट्रिवजिया लाइव है जो कि मौजूद है यूट्यूब पे, उसे सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल ताकि आप इजीली जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख सकें. सवाल नंबर तीन का राइट आंसर, लेट्स फाइंड आउट कितने लोगों ने सही चुना है. यस, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. उमर अयूब खान है जी, जो कि पेट्रोलियम डिवीजन के मौजूदा वफाकी वजीर हैं. 9,818 लोगों ने इस आंसर पहुंच किया और तकरीबन कोई 5,000 के करीब लोगों ने बाकी ऑप्शन को सिलेक्ट किया है. 9, 8, 5, 14 यही आंसर आ रहा था ऑलमोस्ट हमारे पास जो रेशियो आ रहा था. खैर, सो के लाइफ प्लान का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत सारे लोग करेंगे और अगर आप नहीं भी करना चाहते तो नीचे लिखा आता है नॉट नाउ, आप उसे नॉट नाउ कीजिए. ठीक है, आप नहीं इसको यूज करना चाहते, सब टू यू. सवाल नंबर चार आपकी स्क्रीन पर, जरा सवाल को गौर से पढ़िए. किस साल क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली मर्तबा सफेद गेंद इस्तेमाल किया गया? 1987, 1992 और 1996. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. वी आर बैक अगेन, दिस इज योर होस्ट राणा बॉबी. और ऑफ कोर्स आपका जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो राय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है. हर शो में इस बात को दोहराना समवेयर आपको लगता होगा, यार क्या हर बार ये दोहराते हैं, कुछ अल्फाज कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि ऑलमोस्ट हर शो में जो है वो रिपीट की जा रही होती हैं. उसका रीजन ये है कि हमें हमेशा हर शो में नए लोग ज्वाइन करने वाले बहुत होते हैं. ठीक है, आज भी आप ये मत समझिए कि जो अगर 16,000-17,000 या 20,000 लोग हैं तो ये वही लोग हैं. इनमें आधे लोग शायद नहीं खेल रहे होते, आधे लोग ऐसे थे जो नए होते हैं. अगर आप आधे से भी बातें करें तो एटलीस्ट 20% लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो नए खेलने वाले होते हैं. ठीक है, और एक चीज का रिमाइंडर देना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसलिए आप जरूर अपना फीडबैक दिया कीजिए. ट्रिविया क्रेज अब कुछ दिनों से हमारे पास नहीं आया. ठीक है, तो सेल्फी वीडियो बनाइए, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. आप ट्रिविया वीडियो कोई अच्छा एक क्रिएटिव वीडियो बना सकते हैं. ठीक है, जिसमें आपका हुनर जो है वो काबिलियत पता चले गया, बाकी आप बहुत क्रिएटिव है. ठीक है, या आप एक अच्छी सी सेल्फी बनाकर भेज सकते हैं प्लेइंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छा लगे, उसे शामिल करना हमें इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है. ठीक है, फिलहाल सवाल नंबर ऑफकोर्स सवाल नंबर चार का राइट आंसर आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही चुना है.
यस, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. 1992 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ उसमें सफेद गेंद इस्तेमाल किया गया पहली बार. 6761 लोगों ने इसे आंसर पहुंच किया. थैंक यू. एक बार फिर से एक चीज क्लियर करता चलूं, आज जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा है उसमें था कि जी आज का शो ज्वाइन करें और एक लाइफ लाइन हासिल करें. सो वो इसीलिए था कि आज के शो में जो मैंने अनाउंसमेंट दी है उसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि रात 12 बजे के बाद एक लिंक जो है वो हम जनरेट करने जा रहे हैं. यस, अबाउट दिस संडे स्पेशल शो. आपने ये लिंक जो है ये पोस्ट शेयर करना है अपनी आईडी पे जो कि फेसबुक के यूजर्स हैं. जैसे आप इसको शेयर करेंगे आपको एक अदद लाइफलाइन मिलेगी और ये जो लिंक है ये कमिंग संडे शो तक वैलिड रहेगा, एक्टिव रहेगा. तब तक आप किसी भी वक्त इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि एक आईडी से एक ही दफा में शेयर किया जा सकता है. अगर आप बार बार शेयर करना चाहें यू कैन शेयर, लेकिन आपको लाइफलाइन नहीं मिलेगी. ठीक है. सो सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है. लेट फाइंड आउट कौन लोग खेलने वाले हैं. यस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का हेडक्वार्टर पाके है, इस्लामाबाद, पिशावर या क्वेटा. ऑल राइट, थैंक यू. अच्छा, थोड़ा साइड पोस्चर जो है मेरा आपको कोर्स शायद बहुत सारे लोग करोगे यार ऐसे क्यों बैठा हुआ है, तो किसी डिफरेंट पोस्चर के साथ ही बैठ जाना चाहिए. जरा थोड़ा डिफरेंट प्रोफाइल आपका जो है वो स्क्रीन पर नजर आए तो ये भी एक डिफरेंट चीज होती है. ठीक है. सो सवाल नंबर 5 आप लोगों ने खेल लिया है, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी दुनिया से अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया. देखिए, मजबूर कभी कोई किसी को नहीं करता. समवेयर जो आपकी आपका खुद का इंटरेस्ट होता है वो आपको मजबूर करता है या वो आपको वो काम करने के लिए जो है वो राजी करता है जो आप करना चाहते हैं या जो नहीं भी करना चाहते लेकिन दिल अंदर से ऐसे से कर रहा था कि यार लेट्स डू इट. ठीक है. तो आपके उन तमाम तर जो इंपॉर्टेंट काम है आप उन्हें थोड़ा साइड पर रखते हैं और आधे घंटे के लिए हमारे साथ रोजाना होते हैं. ये सबसे सबसे बड़ी बात है, किसी को वक्त देना आजकल के इस दौर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. बाकी बैठे बिठाया फोन पर कुछ भी कर सकते हैं लेकिन जो वक्त देने वाली बात है वो आजकल के दौर में सबसे अनमोल तरीन है. मुझे लगता है दुनिया में सबसे कीमती चीज जो है जो आप किसी को देते हैं वो वक्त है, क्योंकि वो वक्त आप कहीं और भी सर्व कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप कोई चीज हासिल कर सकते हैं. लेकिन वक्त एक वाहि चीज है जो कि आप अपने दोस्तों को देते हैं, फैमिली को देते हैं, फ्रेंड्स को देते हैं या आप हमें देते हैं, तो ये एक बहुत खूबसूरत खुशाइन बात है और बड़ी खुशनसीबी की बात है. सो थैंक यू वेरी मच अगेन, आपका बहुत शुक्रिया. सवाल नंबर 5 आइए देखते हैं इसका राइट आंसर कितने लोगों ने सही खेला है. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर. यस, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान का हेडक्वार्टर क्वेटा में वाकई है. 3,220 लोगों ने इस आंसर पहुंच किया और तकरीबन 4,000 के करीब लोगों ने बाकी ऑप्शंस को सेलेक्ट किया है. दोनों ऑप्शंस को तकरीबन 3727 लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन यानी कि इस्लामाबाद को सेलेक्ट किया, बट इस्लामाबाद वॉज द रॉन्ग आंसर. वेल, सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कि सवाल नंबर 6 क्या है. मशहूर सिनेस फिल्म फेस्टिवल हर साल किस मुल्क में मुनक्किद होता है, जर्मनी, फ्रांस और पुर्तगाल. ओके, सो ये मुझे लग रहा है सवाल थोड़ा डिस्टर्ब करेगा आपको. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है. सो लेट्स फाइंड आउट कि कौन इनको ठीक खेलते हैं और कौन इनको गलत खेलते हैं. अपकमिंग शोज में जैसे कि हमने एक नया शो ऐड किया है एवरी संडे, उसमें हम एक आप सेलिब्रिटी को एवरी वीक यानी आप उसे कहेंगे सेलिब्रिटी ऑफ द वीक, ट्रिविया सेलिब्रिटी ऑफ द वीक, तो उसमें हम ऐसे ही जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं उन पर हम शोज करेंगे. आपकी फेवरेट शख्सियात होंगी और आप ऑफ कोर्स आप उन शख्सियात के फैंस हैं. सो वो तमाम तर चीजें जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो तमाम तर चीजें जो ऑफ द कैमरा हैं, या वो तमाम तर चीजें जो आप नहीं जानते लेकिन आप जानना चाहते हैं, या हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे ताकि वो जो सेलिब्रिटीज हैं, वो जो लोग हैं, उनको बुरा ना लगे और एक ट्रिब्यूट. संडे हमारा इमरान खान स्पेशल शो है, जरूर खेलिएगा. सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही खेला है. सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर. यस, मशहूर सेनेस फिल्म फेस्टिवल जो हर साल मुनक्किद होता है वो फ्रांस में होता है. 505 लोगों ने इस आंसर पहुंच किया और तकरीबन 3,000 लोगों ने गलत आंसर दिया है. यह हमारा आज का सबसे पहला नॉकआउट क्वेश्चन हो चुका है. ओके, सो वी आर बैक, बहुत शुक्रिया.
तो सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं लेनी, लाइफ लाइन का साथ आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है। इनमें से कौन सी रोलर कॉस्टर मुतहदा अरब अमारात पूरी दुनिया में ऐसी ऐसी डेंजरस राइड्स हैं कि भाई हल्के दिल वाले तो बिल्कुल उन पे मत बैठे, मेरे से ड्रैगन में नहीं बैठता ठीक है, तो फिर तो जान जाती है ड्रैगन में, ठीक है। और फ्री फॉल जैसे जो राइड्स हैं, ठीक है, और फिर डिस्कवरी जैसी राइड्स जो हैं वो आपको पता है कि लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक होती हैं। आई नो ये कल का हलवा है बाय द वे, ठीक है, तो ये बड़ी खतरनाक राइड्स हैं। और ऐसी ऐसी अनबिलीवेबल राइड्स हैं जर्मनी में और फ्रांस में और खासकर यूरोप में, ठीक है, अमेरिका में एज वेल, कि आप उनमें बैठ जाएं तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते किस लेवल का टेरर है उनमें लेकिन जो हैवी का फिर वो एक स्टैमिना बना होता है, वो फिर आदि होते हैं भाई, वो तो बैठ सकते हैं, तो हम मैं तो नहीं बैठ सकता, ठीक है। हम फैमिलीज के साथ जब कभी जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं या कजन वगैरह इकट्ठे होते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो भाई सब लेते हैं भाई, मैं तो कोई जो है ना वो राइड नहीं लेता। हाँ वो मैं जो जंपिंग कार उसमें बैठ सकता हूँ, दैट्स प्रीटी मच इनफ, ठीक है। फिलहाल सवाल नंबर 7 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कितने लोगों ने सही खेला। हाँ जी, फॉर्मूला रोजा है जो कि मुतहदा अरब अमारात में रोलर कोस्टर है। 304 लोगों ने इसे आंसर पंच किया और तकरीबन कोई 125 अराउंड लोगों ने गलत आंसर दिया है। इट्स ओके, नो वरीज। सवाल नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या है। सवाल को गौर से पढ़िए, थैंक यू वेरी मच। आर्मी मेडिकल कॉलेज किस साल कायम किया गया था, 1947, 1965 और 1977? ओके, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मजे का है, अच्छा है। सो ऑफ कोर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान होगा, वैसे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आउट ऑफ द वे होती हैं और जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हमें आता हो, और ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जहां पर आप 50-50 का पावर आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन को 50% खत्म कर सकते हैं। फिर दो ऑप्शन रह जाते हैं, वहां पर तुक्का लगा लें, ठीक है, और अगर वो तुक्का भी नहीं लगता तो +5 वहां पर ऐड कीजिए, 5 सेकंड मजीद बढ़ेंगे, सिंपली आपको बता रहे हैं, सिंपली सर्च कीजिए और आंसर ढूंढ कर टक करके लगाइए, ठीक है। तो ये बहुत बहुत मजे की बात है, ये पावर अप्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी गेम को ये आसान बनाते हैं, और बड़ा मजा आता है जब आप इनको एंड टाइम यूज करते हैं और फिर जो जीतने की जो खुशी है, आई नो कि आप उसको बहुत इंजॉय करते हैं। हाँ, लेकिन ये फोर्सफुली बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अप टू यू, आप यूज करना चाहते हैं कीजिए, नहीं करना चाहते आप रेगुलर गेम खेलते रहिए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लाइफ लाइन हमने आज आपको बता दी है कि 3 का रेगुलर शोज, 3 कंसेक्यूटिव, यानी आज कल पर स्पोर्ट्स किसी भी वक्त ये अब एक्टिव रहेगा और ये स्टिल फिलहाल काफी लंबे अरसे तक ये चलता रहेगा, कि जब भी आप 3 लगातार गेम शोज खेलेंगे या उनमें पार्टिसिपेट करेंगे या पूरे शो देखेंगे, ठीक है, तो एक लाइफ लाइन आपको उसको मिलेगी। उसके साथ साथ एक और आपके साथ जो लिंक हम शेयर कर रहे हैं आज 12 बजे के बाद वो एक्टिव होगा, हमारे ऑफिशियल फैन पेज ट्रिवजिया पर मौजूद होगा, सिंपली उस आप लिंक को शेयर कीजिए और एक अदर लाइफ हासिल लाइफ लाइन हासिल कीजिए जो कि इमरान खान स्पेशल शो से रिलेटेड होगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर, आइए देखते हैं कि क्या है। यस, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1977 में आर्मी मेडिकल कॉलेज काम किया गया था। सो 225 लोगों ने इस आंसर पंच किया, बाकी लोगों ने गलत आंसर दिया जो तकरीबन 100 के करीब है। वेरी गुड, सेकंड लास्ट क्वेश्चन कमिंग इन योर वे, तो आपको व्हाट्सएप पे लेट्स फाइंड आउट ट्रिविया टीम ने सवाल नंबर 9 क्या चुन के रखा आपके लिए। किस मुल्क ने 2019 को ईयर ऑफ टॉलरेंस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है, ऑस्ट्रेलिया, मुत्तहिदा अरब अमीरात या इंग्लैंड? So finally, we are at the second last stage of this show. और आज का गेम शो 20,000 rupees के लिए है। नॉर्मली ये शो 40,000 rupees के लिए हुआ करता था, लेकिन अब इसमें हम कुछ चेंज लेकर के आए हैं। हाँ, लेकिन इसके ऑल्टरनेट में ऑफकोर्स हम कुछ नई चीजें लेकर के आ रहे हैं जो आपको बहुत मजा देंगी, ठीक है, बहुत हम इसको एंजॉय करेंगे।
आज का शो 20,000 रुपए के लिए है और इट्स आर रूटीन शो, ठीक है। और कुछ नए शो जो हम ऐड कर रहे हैं अपकमिंग डेज में, जैसे कि नया शो आपको मालूम है कि एवरी संडे सेलिब्रिटी बेस्ड शो होगा, लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत ही नई तर्ज का एक शो लेकर के आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, जो आप देखेंगे तो दैट्स गोना बी रियली 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 अमेजिंग। उसको खेलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, उसमें पार्टिसिपेशन का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा और वो आप जब स्क्रीन पर वो जो चीज देखेंगे वो बहुत डिफरेंट होगी, जो कि आप उसको बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो अपना आप जो आपके एंड से पार्टिसिपेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सवाल नंबर 9 का राइट आंसर, लेट्स फाइंड आउट कितने लोगों ने सही सुना है। हमारा नहीं जी, ईयर ऑफ टॉलरेंस 2019 को ईयर ऑफ टॉलरेंस के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 154 यानी 154 लोगों ने सही आंसर पंच किया और बाकी लोगों ने गलत आंसर दिया। खैर इट्स ओके जी, आज का जो गेम प्राइस है मुझे लगता है ज्यादा लोग नहीं जीत पाएंगे, कम लोग ही जीतेंगे, लेकिन उनमें अच्छी प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। वेरी गुड, आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, गौर से सवाल पढ़िएगा फिर आंसर कीजिएगा। मशहूर किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान का मुसनिफ कौन है? यस, एनाटोल लेविन, एमा डंकन और स्टीफन फिलिप कोहन। ओके, चलिए, आई एम टायर्ड। सो आज मेरी तबीयत कुछ नासाज थी बाय द वे, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद देखिए ना, कहते हैं कि काम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन, ठीक है। ये कहलाता है आपका आपके काम से प्यार, आपका सिंसियर होना अपने काम के साथ, हालात चाहे जैसे भी हों आप हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो काम कर पाए, ठीक है। तो उसमें जो एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है वो बहुत कमाल की होती है, ठीक है। सो ये एक मैसेज है आप लोगों के लिए भी कि जिंदगी में चाहे हालात जैसे भी हों, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, बाकी बस फिर खुदा पे छोड़ दीजिए, ठीक है, वही आपको हर चीज का आंसर देने वाला है बेशक। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर कितने लोगों ने सही चुना, आइए मिलकर देखते हैं। यस, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, मशहूर किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान स्टीफन फिलिप ने लिखी है। 136 लोगों ने आंसर पंच किया, वेरी वेल। और विनिंग जो लिस्ट हमारे पास ऑलमोस्ट जनरेट हो गई है और 147 रुपए आपने आज के गेम शो में जीते हैं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वेरी वेल प्लेड। आज तकरीबन 17,000 के करीब लोग थे और फाइनली हमारे पास 136 लोग हैं, आप हैं सुपर माइंड पीपल। आपका नाम शामिल करें जी, राबिया शेख, इट्स राबी शेख, वेरी गुड। एंड वी हैव अर्शी मलिक, वेरी गुड। एंड वी हैव फराज एंड जैसिब हमारे साथ हैं, शहबाज नईम है एंड सानिया है, वेरी गुड। एंड कदीर खान है, कदीर नाइस, आदिल है, दिलावर है, एंड वी हैव उस्मान एंड वी हैव राशिद एंड वी हैव नजर नहीं आ रहा बलराम एंड वी हैव फातिमा एंड अमीर हमारे साथ, बहुत शुक्रिया। अली शहरोज है एंड वी हैव उमेर एंड मैनी मोर पीपल, जैसे कि स्टार्ट है, हुमा है, उस्मान है, तैमूर है, मानिया है, तहरीश है, वेरी गुड। आज का गेम शो में लग रहा है कि लड़कियों ने बहुत अच्छा खेला है और गर्ल्स आज के विनिंग लिस्ट में कुछ ज्यादा है, सो वेरी वेल लड़कियों, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तमाम व्यूवर्स का बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। आपसे भी मेरी मुलाकात होगी सैटरडे को रात 10 बजे, ठीक है। कल का हमारा बहुत स्पेशल शो है, क्योंकि फ्राइडे शो वैसे नॉर्मली हमारा रूटीन शो होता है, जैसे कि आपको पता है कि फ्राइडे में अभी फिलहाल क्योंकि रमजान था तो इस्लामिक स्पेशल था, पर कल का शो हमारा होगा यस लियाकत अली खान पर बेस्ड, ठीक है। सो कल का हमारा शो यस द हीरो ऑफ पाकिस्तान जनाब लियाकत अली खान साहब, इनकी लाइफ पर बेस्ड है, उनकी जो पाकिस्तान पर खिदमत रही है, पाकिस्तान के लिए उनकी क्या सर्विसेज रही हैं, कैसे उन्होंने स्टडी कहां कहां से हासिल की, क्या उनकी जिंदगी रही है, ठीक है, तमाम तो चीजें इन उनकी शख्सियत से रिलेटेड होंगी। तो कल का पूरा शो होगा लियाकत अली खान साहब पर बेस्ड, जरूर कल का शो खेलिएगा, कल फ्राइडे स्पेशल है और कल का हमारा थीम शो जो है वो होगा लियाकत अली खान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी, दुआओं में जरूर याद रखिए क्योंकि फिलहाल तो जनरली आप लोगों की दुआओं की बहुत जरूरत है। अपना ख्याल रखिए, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।